स्टार्ट करते हैं कल जहां पे हमने ड्रॉप किया था। तो साइंस एंड टेक का न्यूज इन शॉर्ट वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद कल्चर का पार्ट रहेगा और उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट स्कीम जो अगस्त महीने के अंदर न्यूज में थी उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। सो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इसलिए न्यूज में था। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2017 में और ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंडक्ट किया था। एम ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स रखी जाएं जिनके लिए सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग या जो ऑडियंस थी इसके अंदर, वो थी हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फ्रॉम 6th टू 12th क्लास, और एक अलग कैटेगरी थी फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन दो कैटेगरीज के अंदर इसमें पार्टिसिपेशन था और आइडिया ये था जो सोशल इश्यूज या जो भी प्रेजेंटली डेली लाइफ में हमें कोई भी चैलेंज आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी निकालने का आइडिया था, ठीक है। तो ये था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ITU's रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम, ठीक है। तो कोई बता सकता है ITU जो है वो क्या करता है, व्हाट इज दिस एजेंसी फॉर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी हमने 5G का बात किया, 4G का बात किया, ठीक है, इसी साइंस एंड टेक वाले पार्ट में। तो 5G का स्टैंडर्ड सेट कौन करता है, ग्लोबल बेंचमार्क बोल सकते हो या ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है ITU सेट करता है कि एक टेक्नोलॉजी को कब हम 5G बोलेंगे, कब उसको 4G बोलेंगे, कब इसको 3G बोलेंगे, ये यूनिवर्सली सिमिलर ही है, ठीक है। और वो कारण क्यों है, क्योंकि एक ग्लोबल वॉचडॉग बोल सकते हैं या ग्लोबल बेंचमार्क सेटिंग एजेंसी है इसके लिए और उसका नाम ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी टेक्नोलॉजीज है उनको स्टैंडर्डाइज करती है, ठीक है। अब ये जो रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम था, ये एक इसका एक मीटिंग था जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अभी रिसेंटली होल्ड किया फॉर एशिया एंड ओशनिया रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियाज और स्टैंडर्ड जो है रिगार्डिंग ICT टेक्नोलॉजी वो सब डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इसमें जानने लायक, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक आपको इसमें से इस साल के प्री में या मेंस में जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कोई क्वेश्चन। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या, तो पहले ये देख लेते हैं न्यूज में किस लिए था। तो अभी रिसेंटली CSIR और एक प्राइवेट फर्म है कॉल्ड KPIT टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस को लॉन्च किया था। अब ये पूरा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था, तो एक तो वो इम्पोर्टेंट है और दूसरा अभी बहुत रिसेंटली लाइक इन लास्ट 3 और 4 डेज हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो ऑफिस आए थे एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार के अंदर बैठ के, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या। तो फ्यूल सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है या डिवाइस है, यानी आप केमिकल्स या हाँ मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन एक तरीके से बोल सकते हो केमिकल है, ठीक है, ऑल्दो वो गैस के स्टेज में है और एक तरफ से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कराते हो और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हो, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। सो दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो है हीट और वाटर, जो कि दोनों अगर हम बोले तो पोल्यूटेंट नहीं है। कन्वेंशनल इंजन की हम बात करें तो उसमें वो पोल्यूटेंट निकलते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो एक इश्यू रहता है हमारे लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। अब एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन जैसा कि हमने बात किया कि बस और अभी रिसेंटली कार का बारे में हमने बात किया, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज आएगा। दूसरा स्टेशनरी एनर्जी सोर्सेज जैसे कि पावर जनरेशन में हो गया या कहीं पे हीटिंग अप्लायंसेस को चलाना है तो उसके लिए ये यूज हो सकता है। अब बेनिफिट क्या है, पहले एक तो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी एफिशिएंसी एंड हाई एनर्जी डेंसिटी। अब हाई एनर्जी डेंसिटी कैसे है, बिकॉज आप जानते हो जो मैटर होता है वो मतलब जनरली हम लोग 3 स्टेज में पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड को प्रेशराइज नहीं कर सकते आप, ठीक है, या कर सकते हो तो बहुत लिमिट तक कर सकते हो, लिक्विड का भी एक लेवल है, लेकिन गैस को आप प्रेशराइज बहुत हाई लेवल तक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए हाई एनर्जी डेंसिटी पा पा रहे हैं बिकॉज हाइड्रोजन एक गैस है और उसको बहुत हाई लेवल तक कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छा है,
हाइड्रोजन का, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इट विल हेल्प टू मीट द क्लाइमेट चेंज गोल्स। तो जैसा कि अगर आप देखोगे कार्बन एमिशन की अगर हम बात करें, तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। तो आप डायरेक्टली ये वाला कोट डालकर कि थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो इमिटर है, और इसके अलावा भी और सारे पर्पसेस हैं जैसे एनर्जी जनरेशन, वो फर्स्ट लार्जेस्ट इमिटर है, तो आप उन दोनों का लिख सकते हो कि वो डायरेक्टली उसको टारगेट करेगा। तो यहाँ पे हम मीट कर पाएंगे हमारे जो क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं। तो एज यू नो 2070 जो है हमारा कार्बन न्यूट्रल का एम है, तो उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नॉइज फ्री ऑपरेशन है। तो जैसा कि आप जानते हो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक फॉसिल फ्यूल है उसको बर्न किया जा रहा है, और फिर नॉकिंग एक सिस्टम होता है। नॉकिंग मतलब इंजन में वो टकराता है, ठीक है, जैसे फ्यूल ब्लास्ट होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, तो वो पिस्टन को धक्का मारता है, और पिस्टन को धक्का मारता है तो वो एक नॉइज क्रिएट करता है। तो सुना ही होगा गाड़ी जैसी चालू करोगे आप तो नॉइज आती है, ठीक है, आपके घर में पेरेंट्स वगैरह आते होंगे तो आपको दूर से पता लग जाता है, बिकॉज वो गाड़ी की आवाज से पता लग जाता है। वहीं सिमिलरली या आप इसको कंपेयर करोगे विद इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपसे ऑलमोस्ट एक एक हाथ की दूरी से भी निकल जाएगा ना, आपको पता नहीं लगेगा। तो कारण क्या है कि नॉइजलेस है, बिल्कुल ही नॉइज नहीं होता उसके अंदर। सेम चीज हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी देखने को मिलता है, बिकॉज इंटरनल कंबशन जैसा कोई पार्ट नहीं है उसके अंदर, इंजन जैसा कोई पार्ट नहीं है, तो इसलिए नॉइजलेस है। नेक्स्ट, ओवरकम इश्यूज ऑफ स्मॉग फॉग, ठीक है, मतलब फॉग तो नहीं, स्मॉग कह लो, और एंड अदर हेल्थ हैजार्ड कॉज बाय एयर पोल्यूशन, तो उसको हेल्प करेगा। और लास्टली, ऑपरेटिंग टाइम्स आर मच लॉन्गर देन बैटरीज, ठीक है, तो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लाइक बैटरीज का वैसे तो इंक्रीज हो रहा है उनका भी ऑपरेशनल टाइम, लेकिन अभी जो करंट स्टेज है उसमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल शायद बेटर एडवांटेजेस है, या लॉन्गर डिस्टेंस के लिए काम कर सकता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैटरी। अब चैलेंजेस क्या है, तो पहला तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास हाइड्रोजन इस स्केल पे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फ्लेमेबिलिटी और हाइड्रोजन स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन का बहुत बड़ा इश्यू है। तो जैसा कि आपको पता होगा हाइड्रोजन जो है वो जब जलता है तो वो एकदम उसका फ्लेम जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारे एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सा कलर का गैस होता है, मतलब वो जब बर्न करता है तब कौन सी कलर की फ्लेम देता है, तो बता सकते हैं? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ब्लू हाँ करेक्ट, ब्लू देता है। और कभी भी आप कंप्लीट कंबशन कहीं देखोगे ना, तो आप समझ जाना अगर ब्लू दे रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है। वहीं अगर आपका येलो अगर या ऑरेंज आपको फ्लेम दिख रहा है, तो समझ जाना कि कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, या आपका जो गैस सिलेंडर है या फिर जो स्टोव है उसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो याद रखना कि ये डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन की जो फ्लेम होती है वो कलरलेस होती है, मतलब वो दिखती भी नहीं है, अगर वो जल रहा भी होगा तो दिखेगा नहीं, वो भी अपने आप में एक इश्यू है। और हाईली फ्लेमेबल गैस है, स्टोरेज का इसका इश्यू है कि कैसे इसको स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, हाई कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, मैनेजमेंट ऑफ एयर हीट एंड वाटर, अब वाटर जो निकल रहा है उसको कैसे आप एग्जॉस्ट करोगे, वो सब चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में, एक डायग्राम देख लो जिसके थ्रू आई थिंक और बेटर क्लियर हो जाएगा ये आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए। तो यहाँ पे एनोड है, एनोड के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन को लेके आ रहे हैं, और कैथोड पे ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, या नॉर्मल एयर बोल दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को पास में ला रहे हैं, और बीच में एक मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करता है इस मीडियम को। अब जैसे ही ये मीडियम मेम्ब्रेन से आपस में इंटरचेंज होंगे तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंड दिस विल ट्रेवल टुवर्ड्स द साइड ऑफ कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से हम जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप कर रहे हैं, और फिर उसको वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू मिल रहा है, और इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल हो रहा हो तो मतलब इतना उसको माइंड मत करना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कहाँ से क्या चीज निकल रही है, ठीक है, आपको ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं है इक्वेशन बना के, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल, आई होप क्लियर होगा। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है क्या? आगे चलते हैं, रोशनी। तो ये इंडिया का एक फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा सी, अगर कोई पोर्ट वगैरह के आसपास रहता हो तो उसने तो जरूर देखा होगा, बट अगर जो नहीं भी रहते तो उन्होंने किसी मूवी के अंदर देखा होगा,
समुद्र के आसपास ना बहुत सारे फ्लोटिंग लैंटर्न्स घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसा पानी में तैरता रहता है ये। तो ये बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे शिप्स जो होते हैं, कभी कई बार ना अंधेरा होता है या उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है, तो पोर्ट्स के आसपास जनरली इस टाइप के ना हम लोग या तो लाइट हाउस बनाते हैं, वो तो लैंड पे हो गया, लेकिन इस टाइप के लैंटर्न्स भी लगाते हैं ताकि वो उसके थ्रू जो नेवल शिप जो है या जो वेसल्स है उनको एटलीस्ट पता लग जाए कि हाँ यहाँ आसपास कोई पोर्ट है, ठीक है। तो वो समुद्र में तैरते रहते हैं, अब वो समुद्र में तैर रहे हैं तो उनके पास कोई एनर्जी सोर्स होना चाहिए, तो वहां पे वो इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट वाटर का। सॉल्ट वाटर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आयन जो है वो घुले हुए हैं, ठीक है। जैसे आप बात करें NaCl की, NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट का ये फॉर्मूला है, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, ये मिलके कॉमन सॉल्ट बनता है। और सी वाटर में सॉल्ट जो होता है वो अबंडेंट होता है, ठीक है। तो जैसे हम पानी के अंदर NaCl को घोलते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है और आयन्स के फॉर्म में टूट जाता है। अब यहाँ पे बन जाता है Na सोडियम प्लस और Cl माइनस, और ऐसे ये पानी में घूमता रहता है और इसको हम बोलते हैं आयन्स, ठीक है। ये सिंगल होता तब हम इसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, लेकिन जब ये ऐसे आयनाइज फॉर्म में घूमता रहता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया या इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तब हम बोलते हैं कि अब जो है ये आयन बन गया। और जब ये आयन बन जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हम चार्जेस के अंदर बात करें, ये चार्ज हो गया प्लस और नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सलाइन लैंटर्न के पीछे, कि इलेक्ट्रोलाइट है वो आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में, ठीक है। सो ये जो लैंटर्न है ये बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस पर, ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने, NIOT। तो आइडिया ये है, जो हिंटरलैंड में जो लोग रह रहे हैं, जहां पे हमारे पास शायद इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है प्रोवाइड करने को, तो वहां पे हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके लैंटर्न को पावर दे सकते हैं। सो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फिजिबल टू ऑपरेट रहेगा, और ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग टू पुअर एंड द नीडी, ठीक है। और खासकर जो फिशिंग कम्युनिटी है, क्योंकि आप देखते हो कि उनके पास तो वैसे ही बहुत पुअर क्वालिटी की बोट्स होती है, तो वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो उनको जरूर हेल्प होगा इस टाइप के लैंटर्न से, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट रोशनी, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। तो जैसा कि आप जानते होंगे, इसरो ने अभी लॉन्च किया था एक SSLV को, जो मेडन लॉन्च था SSLV का, मेडन मतलब फर्स्ट, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। जो सैटेलाइट उससे डिप्लॉय करानी थी वो डिप्लॉय नहीं हो पाई, सो द मिशन वॉज फेल्ड। बट हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि SSLV क्या होता है ये जानना, ठीक है। तो जब भी आप ये SSLV, PSLV या जितने भी लॉन्च व्हीकल देखोगे, इसमें आपको तीन चीज पता होनी चाहिए। एक तो किस टाइप का, कितने स्टेजेस वो रॉकेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वो कौन से ऑर्बिट में ऑपरेट कर रहा है, लो अर्थ में कर रहा है, मिड अर्थ में कर रहा है, या हाई अर्थ ऑर्बिट में कर रहा है। और अगर वहां पे ऑपरेट कर रहा है तो कितना पेलोड कैपेसिटी है, पेलोड मतलब कि कितना वो बड़ा सैटेलाइट या बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस तक ले जा सकता है या उस ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो ये तीन कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम बात करें SSLV का, ठीक है। तो SSLV जो है थ्री स्टेज रॉकेट है, और इसमें तीनों स्टेज जो है सॉलिड है, ठीक है। और ये स्मॉल सैटेलाइट, तो आपको नाम से पता लग रहा है छोटी सैटेलाइट, और छोटी सैटेलाइट का वेट कैटेगरी क्या है, 500 kg, इससे ज्यादा नहीं, और उसको लॉन्च करेगा अप इन द लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 500 किलोमीटर। ये आपको क्लियर होना चाहिए SSLV के बारे में। सो अब सवाल उठता है यार, SSLV लेके क्यों आए फिर, कोई इस पे रोशनी डालना चाहेगा, जरूरत क्या पड़ गई SSLV की। मोस्टली ना कुछ जैसे स्टूडेंट सेटेलाइट हो गया, या जो भी स्मॉल जो कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं भेजने के लिए, या कोई भी कमर्शियल सेटेलाइट जो कि कम लिमिट का रहता है। लेकिन पहले का जो था PSLV, उस पे ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हमको वेट करना पड़ता था लंबे समय तक, इसलिए SSLV आई थिंक लाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा और इलाबरेट करें तो पहला एक बहुत ह्यूज मार्केट बन चुका है सैटेलाइट लॉन्च करने का, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्टारलिंक के अंदर, उसने इलोन मस्क का जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उसके अंदर पूरे अर्थ को लो अर्थ ऑर्बिट से, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से कवर कर दिया। अब उसके लिए फ्रीक्वेंट लॉन्चेस चाहिए, ठीक है। अब आप PSLV बनाते हो, PSLV बनाने में बहुत टाइम लगता है, प्लस उसका जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट्स लाइक अ हैवी ड्यूटी लिफ्ट। लेकिन जैसे आप
किसी फैक्ट्री वगैरह में गए होगे तो आपने देखा होगा बहुत हैवी ड्यूटी लिफ्ट लगे रहते हैं। अब उस हैवी ड्यूटी लिफ्ट को हैवी ड्यूटी सामान उठाने के लिए बनाया गया है। वहां पे आपका ऐसा नहीं है कि 1 किलो का सामान रख के लिफ्ट से ले जा रहे हैं, तो वो तो फिर आप बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपको लॉन्च ही बहुत छोटी छोटी सेटेलाइट करनी है तो पीएसएलवी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो कि हायर अर्थ ऑर्बिट तक सेटेलाइट को लॉन्च कर सकता है प्रोवाइडेड उसका वेट कम हो। लेकिन अब हमें लॉन्च एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में करनी है और वेट भी कम है, तो उसके लिए पीएसएलवी जैसा स्ट्रॉन्ग रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इससे एक तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, ठीक है, फिर दूसरा जो इमर्जिंग मार्केट है सैटेलाइट लॉन्च का उसको केटर करने में हेल्प करेगा, हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन रेवेन्यू लेके आएगा। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो रिड्यूस कर देगा। जैसे करंटली बात करें तो एसएसएलवी को बनाने के अंदर 72 आवर्स लगते हैं, वहीं पीएसएलवी को बनाने में एटलीस्ट 70 डेज लग रहे थे अभी तक। तो आप समझ रहे हो कितना टाइम डिफरेंस है, तो वो टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एक इश्यू ये भी रहता है, मतलब ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बट अगर आप ऐसे टेक्निकल पॉइंट लिखोगे तभी आपको आंसर मिलेंगे। तो एसएसएलवी को आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से असेंबल कर सकते हो। ठीक है, जैसे जनरली अगर हम बात करें जीएसएलवी की और पीएसएलवी की, तो इन लोगों को पहले हॉरिजॉन्टली डेवलप किया जाता है और फिर वर्टिकली उसको खड़ा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है तो उतना ऊपर तक लेके जाना और वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसको पहले हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं और फिर उसको खड़ा करते हैं। लेकिन एसएसएलवी में ऐसा कुछ नहीं है, उसको चाहे खड़ा करके बनाओ चाहे बैठा के बनाओ, ये कंफर्टेबल है। ठीक है, लास्टली अकोमोडेट मल्टीपल सैटेलाइट, तो माइक्रो नैनो स्मॉल सैटेलाइट इस टाइप की बहुत सारी सैटेलाइट इससे लॉन्च हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो तो पीएसएलवी के थ्रू हम लोगों ने एक रिकॉर्ड सेट किया था, 105 सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी पीएसएलवी के थ्रू। ठीक है, ऑल्दो दैट रिकॉर्ड हैज बीन ब्रोकन नाउ, बट अपने टाइम में वो एक रिकॉर्ड था। तो उसी तरीके से आप मल्टीपल सैटेलाइट्स को मल्टीपल ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हो, तो ये वाली फैसिलिटी आपको एसएसएलवी के थ्रू भी मिल जाती है। ठीक है, सो यही थे कुछ एडवांटेज जो आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस, तो अभी एक स्टार्टअप है, उसने ये बेसिकली एक पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश किया है इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। इसका नाम है दिगांतरा स्टार्टअप, जिसने ये सिचुएशन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश करी है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल क्या है या यूज क्या है, तो इसके थ्रू हम लोग स्पेस रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिमेंशन अगर इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करें तो 10 सेंटीमीटर के साइज तक का आप ऑब्जेक्ट, मतलब आप समझ सकते हो 10 सेंटीमीटर कितना छोटा हो गया स्पेस में, तो उस तक को हम ट्रैक कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू। तो इससे फायदा क्या होगा, हमें सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे एक तो हेल्प होगी हमारे स्पेस मिशन में, क्योंकि तो जब भी आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है आपको पहले देखना पड़ता है वहां पे कोई स्पेस डेब्री तो नहीं है या और कोई सैटेलाइट तो नहीं है जिससे अगर हम लॉन्च करते हैं तो अगर वो टकरा ना जाए, तो आपको वो चीज ट्रैक करनी पड़ती है। तो हमारा जो स्पेस लॉन्च है उसमें काम आता है, फिल करता है क्रूशियल गैप इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज को जरूरत पड़ती है तो उनको भी हेल्प करने में काम आएगा, जैसे और भी कंट्रीज को कभी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो उनको भी ये डेटा जो है काम आता है। नेक्स्ट, हेल्प मॉनिटर इवेंट्स ऑकरिंग इन डीप स्पेस। ठीक है, तो हो सकता है हमारे अर्थ के एटमोसफेयर पे कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हो जो कि हम जनरली ना ट्रेस कर पाए, तो वहां पे ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वाली ऑब्जर्वेटरी हमें हेल्प करेगी। एंड लास्टली, दिस वुड गिव इंडिया इंडिजीनियस कैपेसिटी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स। ठीक है, तो कई बार कुछ कंट्रीज के सैटेलाइट को हमें स्पेसिफिकली ट्रैक करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, आपने शायद परमाणु पिक्चर देखी हो जॉन अब्राहम की, जो कि हमारा जो 1999 का जो मिशन शक्ति था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर ब्लास्ट जो थे वो किए थे। ठीक है, तो अब क्या है, सीआईए के पास अपनी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसके थ्रू वो इंडिया में ट्रैक करती रहती है जगह जगह कि कहीं हम लोग, मतलब उस टाइम तो वो लोग ये ट्रैक कर रहे थे कहीं इंडिया वापस न्यूक्लियर टेस्ट ना कर ले, तो उनकी सैटेलाइट जो थी वो इंडिया के ऊपर आती थी। ठीक है, तो अब हमें ये सब पता कैसे लगेगा कि उसकी सैटेलाइट हमारे इंडिया के ऊपर है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी ऑब्जर्वेटरी हमें हेल्प करेगी, वो बताएगी कि कौन सी सैटेलाइट है, वो कहाँ पे क्या देख रही है। ठीक है,
तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और इससे हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प मिलेगी। तो जैसे वो परमाणु वाला जो केस मैं बता रहा था मिशन शक्ति में, वो यही करते थे कि जब जब सैटेलाइट इंडिया के ऊपर आ जाता था तब तब वो मिशन को एकदम बंद कर देते थे, यानी एकदम नॉर्मल दिखा देते थे, उस लोकेशन पे कुछ भी नहीं हो रहा। और जैसे ही वो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर से चला जाता था वो लोग फिर वो एक्टिविटी करना चालू कर देते थे। ठीक है, सो इस तरीके से मिलिट्री सैटेलाइट की अवेयरनेस भी अपने काम आती है। इसके अलावा ऑलरेडी इंडिया ने अपना एक खुद का एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल रूम या ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश कर रखा था, जिसका नाम था नेत्रा। नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने कई और मल्टी बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए हुए कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूएस के साथ करा हुआ है, जिसके थ्रू वो ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो डेटा है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में। इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनता है केसलर सिंड्रोम। तो कोई बताएगा व्हाट इज केसलर सिंड्रोम? ये स्पेस डेब्रीज को बोलते हैं ना। स्पेस डेब्री को तो एग्जैक्टली नहीं बोलते, मतलब रिलेटेड उसी से ही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो कैसलर सिंड्रोम क्या होता है, मतलब रिलेटेड है ये स्पेस डेब्री से, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पेस डेब्री है स्पेस के अंदर, तो वो क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब गोल गोल घूम रहा है, और वो गोल गोल इतना तेजी से घूम रहा है कि वहां पे अगर एक छोटा सा भी ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ अ बुलेट। ठीक है, बुलेट मतलब वो गोली वाला बुलेट। ठीक है, तो उसकी स्पीड से वो घूम रहा है, और इस स्पीड पे अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टकरा गया, किसी और सैटेलाइट के साथ टकरा गया, तो वो उस सैटेलाइट को तो नष्ट कर ही देगा, साथ ही साथ उससे और स्पेस डिब्री बढ़ जाएगा, और ऐसे एक कैस्केडिंग इफेक्ट चलता जाएगा जिससे कि स्पेस डिब्री जो है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। मतलब एक स्पेस डिब्री दूसरे के साथ टकराएगा, फिर और टुकड़े होंगे, फिर वो और टुकड़े और टुकड़ों के साथ टकराएंगे, और ऐसे करके बहुत एक मेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम केसलर सिंड्रोम। तो ये जब भी आप इस टाइप का आंसर लिखोगे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे, तो ये केसलर सिंड्रोम और स्पेस डेब्री वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको जरूर एक रेफरेंस या मेंशन देना। ठीक है, आगे चलते हैं। जुपिटर, तो अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आई थिंक इसके ऊपर हमारे पास एक इन्फोग्राफिक भी है जो कल ही शायद ग्रुप में शेयर किया था, वहां से इसके बारे में देख लेना। अभी हम जुपिटर के बारे में देखते हैं, बिकॉज ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने एक नया इमेज कैप्चर किया जुपिटर मून का, जुपिटर प्लैनेट का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हमें पता लगी है। तो हमें एक बहुत कलरफुल इमेज मिली है जिसके अंदर कलरफुल और ऑरास, फेंट रिंग्स और टू स्मॉल मून्स देखने को मिले हैं। अभी मून्स का नाम क्या है, कई बार यूपीएससी क्या करता है, ऐसे ऑड से लुक दिखने वाले टर्म्स में पूछ लेता है कि एमेल्थिया और एड्रेस्टिया ये किसके रेफरेंस में न्यूज में थे। तो आपको पता होना चाहिए, ये अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू हमें मून्स पता लगे जुपिटर के। ठीक है, अब जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो आप देख ही रहोगे। जुपिटर पोजिशन में बात करें तो फिफ्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। ठीक है, और इसको गैस जायंट बोलते हैं, गैस जायंट, या फिर एक और टर्म इस्तेमाल होता है जोवियन प्लैनेट। ठीक है, आई थिंक ज्योग्राफी में 11th की ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ये टर्म पते होंगे दोनों। नेक्स्ट, रिंग्स होते हैं इसमें, अनलाइक सैटर्न जिसके रिंग्स काफी विजिबल है, जुपिटर की जो रिंग्स है उतनी विजिबल नहीं है, बिकॉज दे आर क्वाइट फेंट एंड मेड अप ऑफ डस्ट नॉट आइस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फेंट है इसीलिए हमें दिखती नहीं है प्रॉपरली। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डे होता है, तो शॉर्टेस्ट डे अगर किसी प्लैनेट का है तो इसका मतलब क्या है, कि उसका रेवोल्यूशन जो है वो बहुत तेज है या उसका रोटेशन बहुत तेज है? धीमे है, तेज नहीं है, आई थिंक द रेवोल्यूशन। नहीं तेज है, सॉरी तेज है, हाँ तो रोटेशन तेज है, रेवोल्यूशन तेज है। रोटेशन, रेवोल्यूशन, कर दिया ना गलती दोनों जगह, रेवोल्यूशन, रोटेशन है। ठीक है, रोटेशन तेज है। हाँ रोटेशन तेज है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक से थोड़े से कंसेप्ट है, इनको ब्रशअप करने की जरूरत है, बिकॉज पता सबको ये है लेकिन वो माइंड में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डे है। अब मून्स की बात करते हैं, तो मून्स इसके पास 79 है, और हमारे सोलर सिस्टम में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है इसके। सबसे हाईएस्ट नंबर है सैटर्न के, जिसके 82 मून्स है। ठीक है, लेकिन ये नंबर चेंज होता रहता है तो इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है इसको।
आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट मून किसके हैं, तो वो अभी भी सैटर्न है। और सबसे बड़ा मून कौन सा है सोलर सिस्टम में? गैनीमेड करेक्ट, गैनीमेड है। गैनीमेड हाँ गैनीमेड है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है ग्रेट रेड स्पॉट, तो ये एक बेसिकली स्टॉर्म है जो कई सालों से, मतलब फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इट हैज बीन इन एक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इमेज में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ कहीं दिखता है वो, ठीक है। तो एकदम रेड स्पॉट अपेयर होता है, ऑल्दो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में टोटली डिफरेंट दिख रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारी और डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो वो रेड स्पॉट है यहाँ पे। तो अगर ऐसा पूछता है रेड स्पॉट कहाँ दिखता है, तो आप लिख सकते हो जुपिटर है। नेक्स्ट अरोरा, तो अरोरा तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है साइन इसी मैगजीन के अंदर, कि जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो मैग्नेटिक एक्शन की वजह से पोल्स पे आ जाती हैं। पोल्स पे क्यों आती है? जैसे आपको पता होगा कोई मैग्नेट है, ठीक है, जैसे कोई मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ है, उसका एक साउथ है, ठीक है। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करता है, और यहाँ पोल्स पे जाके खत्म होता है। इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन शावर आता है, तो इलेक्ट्रॉन शावर पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इसी इसलिए आपको अरोरा वाला जो कॉन्सेप्ट है हमेशा पोल्स पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, ठीक है। ये ऊपर नीचे ब्लू आप देख पा रहे होगे इसमें इमेज के अंदर, इसी को बोलते हैं। सो यही था इसके बारे में, आगे चलते हैं। सो नासा ने अभी पोस्टपोन कर दिया लॉन्च ऑफ आर्टिमिस मिशन। आर्टिमिस मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बिकॉज आफ्टर आई थिंक अपोलो मिशन, अपोलो वो मिशन था जिसके अंदर ह्यूमंस ने सबसे पहले मून के ऊपर कदम रखा था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस ऑल्ड्रिन जो थे, उन लोगों ने पैर रखा था, वो अपोलो 11 मिशन था। तो उसके बाद अब आर्टिमिस मिशन में कोशिश हो रही है कि हम लोग मून के ऊपर वापस से लोगों को भेजेंगे, ठीक है। तो आर्टिमिस के अंदर मल्टीपल लॉन्चेस होने हैं, तो पहला जो था, पहला जो है, ठीक है, वो एक अनक्रू टेस्ट फ्लाइट होगा, ठीक है, और सेकेंड वाले के अंदर एक क्रू फ्लाइट होगा, और जो थर्ड वाला है उसके अंदर मून के ऊपर लैंडिंग होगी, ठीक है। ये इतना एक क्रोनोलॉजी थोड़ा दिमाग में रखना। तो अभी ये पोस्टपोन कर दिया गया आर्टिमिस वन जो है। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पेसक्राफ्ट यूज होगा वो होगा उरायन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। इससे पहले हमने जो अपोलो की बात किया वहां तो अपोलो ही मिशन ही था, ठीक है। यहाँ पे उरायन स्पेसक्राफ्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और मून से रिलेवेंट जो मिशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया अब चंद्रयान 3 भेजने वाला है, कोरिया ने पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिटर मिशन भेजेगा, रशिया का लूनर 25 है, और स्लिम करके एक मिशन है जो कि जापान का है, ठीक है। सो कोई बता सकता है? एक और चाइना का भी मिशन है इसके रिगार्डिंग, मून मिशन, उसका कोई नाम बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, ठीक है, देख लेना। चांगी 4 इसका नाम है, मतलब चांगी पूरी सीरीज है, उसमें ये फोर्थ मिशन था। तो चांगी के बारे में खास बात क्या है कि ये एकमात्र मिशन है जो फार साइड ऑफ द मून पे लैंड किया है। फार साइड ऑफ द मून क्या है? जैसे अर्थ है तो मून उसके साथ टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड मतलब कि जब अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो मून का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करूं, शब्दों पे ध्यान देना। अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो मून का रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए हमें हमेशा मून का एक ही साइड अर्थ से दिखता है, ठीक है। जो तो दूसरा साइड है उसको कॉमनली डार्क साइड ऑफ द मून भी बोलते हैं या फार साइड ऑफ द मून भी बोलते हैं, लेकिन डार्क साइड ऑफ द मून एक मिसनोमर है। डार्क साइड उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें वो नहीं दिखता है, लेकिन वहां पे भी सनलाइट आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, सनलाइट तो मून के सभी तरफ रहती है, लेकिन जो फार साइड ऑफ द मून है वो हमें अर्थ से नहीं दिखता, ठीक है। तो अर्थ से नहीं दिखता तो इसके कारण वहां पे सैटेलाइट लॉन्च करना या जो रोवर मिशन है उसको डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, किसी भी आप लेट से किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मोबाइल फोन से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो? बिकॉज एक लाइन ऑफ साइट है जिसके थ्रू आपका जो मोबाइल फोन है वो टावर से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक बहुत मोटी और एक बहुत बड़ी दीवार बना दूं, ठीक है,
जिसके थ्रू वो पास ही ना कर पाए आपका मोबाइल का सिग्नल, या आप टावर को लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में ही ना आ पाए, तो फिर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यही दिक्कत थी कि चैंगी 4 जैसा मिशन को लॉन्च कोई नहीं कर पाया, बिकॉज मून के साथ डायरेक्ट हमें दिखेगा ही नहीं वो रोवर, तो ठीक है, अर्थ से डायरेक्ट दिखेगा नहीं। चैंगी 4 को इन्होंने डिप्लॉय कैसे किया, तो चैंगी 4 भी चंद्रयान जैसा ही मिशन था, उसके अंदर एक ऑर्बिटर था जो कि ऑर्बिटर चैंगी का जो रोवर है उसके साथ कनेक्टेड था, ठीक है, और इस तरह कम्युनिकेशन वाया अ सैटेलाइट हो पा रहा था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा चैंगी 4 का कॉन्सेप्ट, बहुत ही लैंडमार्क एक अचीवमेंट था। ठीक है, तो चैंगी 4 याद रखना, एक रोवर मिशन भी, रोवर और सैटेलाइट बेस्ड मिशन था। आगे चलते हैं, बाकी अब इंटरेस्ट विंटरेस्ट की तो आई थिंक इतना कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मून का आपको पता ही है, फ्यूचर हैबिटेशन में काम आएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम आएगा, अर्थ को स्टडी करने में काम आएगा, और प्लस इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। ठीक है, सो ये था नेक्स्ट। अर्थ रिकॉर्डेड शॉर्टेस्ट डे, ठीक है, तो अर्थ के अंदर हमारे जो 24 आवर्स का जो पीरियड होता है उसमें 1 सेकेंड का कमी आ गया। ठीक है, तो इसलिए वो शॉर्टेस्ट डे हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। तो कल हमने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट किया था, तो हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट देखा था क्वांटम एंटैंगलमेंट। ठीक है, तो क्वांटम एंटैंगलमेंट से ही एटॉमिक क्लॉक का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा है। ठीक है, जैसे कल हमने बात किया था 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी, ठीक है, ये एक ऑर्बिट है और एक ये ऑर्बिट है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये क्वांटम एंटैंगलमेंट कहलाता है, इसी फिनोमेना को क्वांटम एंटैंगलमेंट कहते हैं। तो अब एक अगर पॉजिटिव अपसाइड स्पिन करा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाउन साइड स्पिन करेगा, मतलब इनका हमेशा एंटी चलेगा, और इन फिर फोटोन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग अलग जगह भी ले जाओगे तब भी इनका ऐसा ही पोजिशन रहेगा, ये पोजिशन चेंज नहीं होने वाला। और अगर लेट्स से चेंज हो भी जाता है, लेट्स से इसका उल्टा हो जाता है कि ये डाउन साइड स्पिन करने लग जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपसाइड स्पिन करने लग जाएगा। ठीक है, इसी फिनोमेना के थ्रू बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, इनफैक्ट टेलीपोर्टेशन जैसा भी फिनोमेना हो पाएगा, मतलब टेलीपोर्टेशन वैसा नहीं जैसा मूवीज में दिखाते हैं, वो चीज तो फिक्शन ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन का टेलीपोर्टेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटम एंटैंगलमेंट का प्रिंसिपल हम एटॉमिक क्लॉक में भी इस्तेमाल करते हैं। अब एटॉमिक क्लॉक का मतलब क्या है, कि एक ऐसा क्लॉक जिसकी एक्यूरेसी रेट जो है इट इज एज हाई एज 1 सेकेंड इन अप टू 100 मिलियन ईयर्स। ठीक है, मतलब कोई 100 मिलियन साल हो जाएंगे तब जाके 1 सेकेंड का एरर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वांटम एंटैंगलमेंट में यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है मैंने यूएस में एक लैब, एटॉमिक लैब के अंदर लगा दिया, और दूसरा इंडिया के अंदर एक एटॉमिक लैब में लगा दिया, तो दोनों जो घड़ियां हैं वो एग्जैक्टली एक ही टाइम दिखाएंगी। ठीक है, चाहे फिर टाइम जोन कुछ भी हो, बाकी चीजें वेरी होती रहे, धरती पे भूकंप आता रहे, सब आता रहे, लेकिन उनका टाइम नहीं चेंज होगा। ठीक है, सो एटॉमिक क्लॉक आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स एवर। ठीक है, और एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर ही हमारी जो दुनिया है वो चल रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप फोन के अंदर एक बार टाइम चेंज करके देख लो अपना, ठीक है, ईयर चेंज कर लो, या फिर एक मिनट का ही टाइम चेंज करो, आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा, आप ब्राउज फीचर नहीं यूज कर पाओगे, मतलब आप इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, सिमिलरली जीपीएस नहीं यूज कर पाओगे। तो इसलिए टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है, टाइम इज नॉट जस्ट अ बेंचमार्क, अब इसके बहुत इमेंस इंपॉर्टेंस हो गई है। ठीक है, सो एक एरर का नाम सुना होगा, Y2K एरर, किसी ने सुना Y2K एरर क्या है, आइडिया किसी को? ठीक है, सो Y2K एरर क्या था, कि 90s के अंदर, मतलब सॉरी 20th सेंचुरी बोल लो, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तो उन्होंने कंप्यूटर लार्ज स्केल पे बना दिए, लेकिन उन्होंने उसके अंदर एक चीज एंटिसिपेट नहीं करी थी कि इस सेंचुरी के बाद एक नई सेंचुरी आएगी। ठीक है, जहां पे हमें 2000 से एक नई सीरीज चाहिए होगी, तो उन लोगों ने जो सीरीज बनाई थी वो केवल 1900s के हिसाब से थी। ठीक है, कि 1999, 1998 ऐसे करके सीरीज थी। तो जैसे ही 2000 वाला साल आया, तो जितने भी कंप्यूटर्स थे वो काम करना बंद कर दिए। ठीक है, मतलब काम इन द सेंस, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे तब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, अगर आप बिना इंटरनेट के यूज कर रहे थे तो चल रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम, बैंक के,
जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है वो सब करप्ट हो गए थे, बिकॉज अब जो टाइम चेंज आपने उसमें पहले से अकाउंट ही नहीं किया, तो इस टाइप के एरर हो सकते हैं और इसलिए टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया का आपको याद हो एक हमने IRNSS करके एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था, किसी को पता IRNSS क्या है? नाविक का सिस्टम है वो। हाँ करेक्ट, नाविक का सिस्टम है जिसमें 7 या 8 सैटेलाइट है जो हमारे इंडिया को और कुछ नेबरिंग कंट्रीज को भी कवर करता है फिर, आई थिंक एज आई मीन। हाँ लेकिन उसका, हाँ लेकिन उसका जो मेन वो था कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया, बेसिकली एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ही था, ठीक है। जीपीएस फैसिलिटी ही प्रोवाइड करता था हमें, जिसका नाम हमने नाविक दिया था, ठीक है। तो आपने ये सही बोला कि एक्चुअली वो 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन बनाना था, लेकिन इश्यू क्या हो गया, एक सैटेलाइट के अंदर जो एटॉमिक क्लॉक चाहिए था वो खराब हो गया था, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो टोटल 8 सैटेलाइट हो गए, लेकिन यूज में वो 7 ही सैटेलाइट रहेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे भी एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया था, तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इतना काम का नहीं था। एनीवेज आगे चलते हैं, बीटल गैस। तो ये एक ब्राइट रेड सुपर जायंट है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि बैटल ग्यूज क्या है, या बैटल ज्यूज जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा पूछ सकता है कि ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है सन की लाइफ साइकिल देखना, ठीक है, या कोई भी स्टार की लाइफ साइकिल देखना फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो सबसे पहले एक नेबुला होता है, नेबुला मतलब एक क्लाउड है, डस्ट का क्लाउड, ठीक है, या गैसेस का क्लाउड है, जहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन या और भी बहुत सारी गैसेस और डस्ट का कॉम्बिनेशन है। धीरे धीरे ये जो डस्ट है आपस में एग्लोमरेट होता है या कॉन्ग्रीगेशन होता है इसका, कि आपस में ये डस्ट जो है जुड़ता जाता है, जुड़ता जुड़ता ये सन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो अगर उसका सन, उस स्टार का जो साइज है हमारे सोलर सिस्टम के सन के इक्वल होगा, तब वो बनेगा एवरेज स्टार, ठीक है। या एक और केस हो सकता है जहां पे उसका जो मास है वो हमारे सन से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वहां हम बोलेंगे मैसिव स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। अब पहले एवरेज स्टार का साइकिल देखते हैं, एवरेज स्टार के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं या फ्यूजन हो रहा है उनका, और जिससे हीलियम में वो कन्वर्ट हो रहा है और उससे एनर्जी निकल रही है, और उसी से उसके अराउंड जो भी सोलर सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, या उसके अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर लाइफ डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट रेड जायंट बनता है। अब धीरे धीरे इसके अंदर जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसे वो फ्यूल खत्म होने लगेगा ये एक्सपैंड होने लगेगा, और इसका जो लाइट है वो भी रेड होने लगेगा, ठीक है, उतना ल्यूमिनस नहीं रहेगा फिर ये, और एक्सपैंड होता जाएगा, तो इस स्टेज को बोलते हैं रेड जायंट, ठीक है। अब रेड जायंट के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके पास जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है हाइड्रोजन वाला वो खत्म हो जाएगा। अब ये जब फेज होगा तो ये होगा क्रम्बल, ठीक है, क्रम्बल, बिकॉज अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया और एग्जिस्टिंग एनर्जी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली सन से जो हीट निकल रही थी वही इसका मास को पुश कर रही थी। जैसा कि आप जानते हो जो चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, तो एक पॉइंट पे इतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि अब इसके पास कोई फ्यूल नहीं है रन करने को, और वहां से ये कोलैप्स होना शुरू होगा और ये बनेगा प्लैनेटरी नेबुला, ठीक है, फटफट आगे सब कुछ, और लास्ट में व्हाइट ड्वार्फ स्टेज में ये बदल जाएगा। तो हमारा जो सन है ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा आगे जाके। अब आते हैं सेकेंड साइकिल पे, जहाँ पे मैसिव स्टार है जिसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सन से कई गुना है, ठीक है। सो अब मैसिव स्टार जो है इसका नेक्स्ट स्टेज होता है रेड सुपर जायंट, वही सेम चीज होती है, फ्यूल रन आउट कर जाता है इसका, और जो एक्सपेंशन था वो इतना ज्यादा हो जाता है कि अब अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता, और वहां पे जो एक्सप्लोजन होता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है, याद रखना सुपरनोवा इज अ ह्यूज या मैसिव एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से इतनी ब्राइट लाइट आती है कि मतलब अगर मैं बताऊं कई ऐसे इंसिडेंसेस बोले गए थे कि जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर भी हो सकता है कि कई दिनों तक लाइट का प्रेजेंस रहे, इतनी मैसिव एनर्जी निकलती है अगर ये अर्थ के आसपास कहीं हुआ है तो, मतलब अर्थ के आसपास मतलब कई कुछ लाइट ईयर्स पास में, ठीक है। सो ये सुपरनोवा कॉन्सेप्ट होता। अब यहां से भी दो चीजें बनती है सुपरनोवा से, अगर उसका मास जो है सन के
वन से लेके थ्री टाइम्स तक है, ठीक है, मतलब वन से ज्यादा है सन के, मतलब सन से एटलीस्ट एक गुना तो ज्यादा ही है, लेकिन थ्री टाइम्स तक है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो ये बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार मतलब शांति से बैठ जाता है, बस चमकता रहता है एक जगह। लेकिन अगर उसका मास वो थ्री टाइम्स से ज्यादा है तो ये बनेगा एक ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आप सभी जानते हो, एक ऐसा यूनिडायमेंशनल स्पेस ऑब्जेक्ट बोल सकते हो उसको, जहां पे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो लिमिट मैंने बताई वन से थ्री टाइम्स और थ्री से अबव, इस लिमिट को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लिमिट दी थी। और राइट, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट एक्सो मून का कॉन्सेप्ट है, काम का नहीं है, बस ये पता होना चाहिए एक्सो मून क्या होता है। तो एक्सो मून जो है वो बेसिकली एक्सो प्लैनेट के जो मून्स होते हैं उनको बोलते हैं। अब एक्सो प्लैनेट क्या होता है, तो एक्सो प्लैनेट ऐसा कोई प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सो प्लैनेट, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि ये जो एक्सो प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आई थिंक 2021 का जो नोबेल प्राइज है वो शायद दिया गया था, तो आप वहां से देख लेना। अभी 2020 वाला जो, सॉरी 2022 वाला जो क्वांटम थ्योरी के लिए दिया गया था, ठीक है, तो क्वांटम एंटांगलमेंट में जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे वहां पे आप वो नोबेल प्राइज को डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पेन प्लस स्ट्रैटेजी। तो ये कुछ नहीं है, ये अफ्रीका के अंदर एक डिजीज को टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की गई थी। तो पेन का मतलब क्या है, पैकेज ऑफ एसेंशियल एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंटरवेंशन, ठीक है। अब इसका पेन प्लस आया है, अब यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे ऑन टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटेड रूमेटिक हर्ट डिजीज वगैरह को टैकल करेंगे पेन प्लस के अंदर। सो ये चीज याद रखना, इतना ही अपने काम का है। तो आप ऐसा पेन करके लिख सकते हो हेल्थ हैजार्ड वगैरह जो वाला पार्ट है उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं विसरस विसरल लेस्मैनियासिस या काला आजार। तो कोई भी डिजीज होती है तो उसमें आपको कुछ एक फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहला, उसका डिजीज को कॉज करने वाला एजेंट कौन है, ठीक है, तो काला आजार को कॉज कौन करता है, तो इसको कॉज करता है एक पैरासाइट नोन एज लिस्मैनिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्प्रेड कौन करता है, तो सैंड फ्लाई इसको स्प्रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर डिजीज के अंदर ऐसा कोई फैलाने वाला जो कैरियर जो होता है उसको हम एक शब्द से जानते हैं कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड फ्लाई जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज है, और अटैक कहाँ करती है, स्प्लीन लिवर बोन मैरो के अंदर। तो न्यूज में इसलिए है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है टू एलिमिनेट कालाजार फ्रॉम द कंट्री बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी 2023 तक हम इंडिया को इंडिया से कालाजार को एलिमिनेट कर देंगे। अभी करंटली बात करें तो ये जो डिजीज है ये इंडिया के कुछ एक एरियाज के अंदर एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब कि वहीं पे होती है और ज्यादा फैल वहां से ज्यादा फैलती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एंडेमिक जो ब्लॉक्स हैं उनको टारगेट करना है और खत्म करना है इस डिजीज को। तो एंडेमिक ब्लॉक्स पड़ते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के रीजन के अंदर। तो इतना ही था इसमें जानने लायक। फिर टमाटो फ्लू और लेंगमा हैनिपा वायरस है, जो अपने इतना काम का नहीं है बिकॉज ये बहुत ट्रिवियल सी बीमारियां हैं, तो इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत आती रहती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, लंपी स्किन डिजीज। सो लंपी स्किन डिजीज जो है ये अभी आप जानते हो इंडिया के अंदर मास स्केल पे फैल गया, एक एपिडेमिक के तौर पे बन गया कैटल्स के लिए, ठीक है। सो इसके बारे में अगर डिटेल की बात करूं तो लंपी जो स्किन डिजीज है ये एक वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिजीज है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न मतलब इसको वेक्टर्स फैलाते हैं, एंड इट इज कॉज बाय अ वायरस नोन एज कैप्री कैप्री कैप्रीपो कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है, ये इसको फैलाता है और ये एक इमरजिंग थ्रेट की तरह सामने आ रहा है टू द लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक में आपके पास जो बफेलोज हो गए या कैटल एनिमल्स हो गए लाइक काउ एक्सेट्रा, इन सबको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो लंपी स्किन डिजीज है इट इन्फेक्ट्स कैटल एंड वाटर बफेलो थ्रू वेक्टर सच एज ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। तो अपेरेंस तो देख ही लिया होगा, तो अपेरेंस को बात करने की जरूरत नहीं है। स्किन के ऊपर लम्ब्स बन जाते हैं जानवरों के, और धीरे धीरे उनका वेट जो है वो डिक्रीज होने लगता है, हाई फीवर आने लगता है, मिल्क का जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। सो एक बहुत डेडली वायरस है ये। इनिशियली अगर हम देखें इस तो स्प्रेड हुआ था अफ्रीकन कंट्री से, और वहां से ये फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ,
ऑल्दो इंडिया में 2019 में आ गया था, बट ये रेज के अंदर या इसका जो वाइड स्प्रेड हम इफेक्ट देख रहे हैं ये 2022 में हमने देखना शुरू किया। माइंड यू दिस इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, मतलब जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है, ठीक है। और अभी करंटली हम लोगों ने इसके लिए वैक्सीन भी तैयार कर लिया। इस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रो वैक्सीनेट, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और भी इंस्टीट्यूट है, लाइक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन्होंने आपस में मिलके एक लाइव अटैनुएटेड होमोलोगस वैक्सीन बनाई है। लाइव अटैनुएटेड का मतलब कि इसी वायरस को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसकी उसको वीकन कर दिया गया है। जैसे एक दो टाइप की वैक्सीन आप पढ़ते हो, लाइव अटैनुएटेड और एक डेड वायरस, ठीक है। डेड वायरस में बिल्कुल इनएक्टिव कर देते हैं, लेकिन लाइव अटैनुएटेड में हम जो है वायरस को इनएक्टिव स्टेज में रखते हैं, मतलब उसको पूरी तरह से मारते नहीं है, उसकी जो पोटेंशियल है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक सवाल पूछता हूँ कि इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर कौन सी वैक्सीन में होगा, लाइव अटैनुएटेड में या डेड वायरस में? डेड में नहीं होगा ना, लाइव नहीं अटेंडेड करेक्ट, लाइव अटैनुएटेड में होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वायरस लिविंग फॉर्म में है, ठीक है। वहां पे तो आपने बिल्कुल मार ही दिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी जान बचती है तो वो लड़ने की कोशिश करता है, तो वो वाली बात है। तो लड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी उतना ही स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। सो ये आपको कौन से पता होना चाहिए। लेकिन लाइव अटैनुएटेड में खतरा ये भी रहता है कि उससे वो डिजीज हो सकती है, मतलब दैट इज वो चांस होने के, दैट इज 1 in million, लेकिन चांस होता है। वही सेम चीज डेड के अंदर वो जो चांस है वो शायद 1 billion हो, ये डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर एड ऑन करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, चोला एरा आइडियल्स कल्चर का पार्ट है हमारा, तो आज इसको करके खत्म करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक देखिए, चोला एरा आइडियल, तो अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज तमिलनाडु का जो आइडियल विंग सीआईडी है, उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया यूएस ऑफिशियल्स को ताकि वो रिट्रीव कर सके कुछ चोला एरा की ब्रॉन्ज आइडियल, ठीक है। अब चोला एरा के अंदर जो ब्रॉन्ज कल्चर का जो वर्क है बहुत फेमस था, ठीक है। सो इस पीरियड के अंदर ये जो ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर है, ये ज्यादातर शिव जी का जो एक फॉर्म है जिसको हम नटराज के नाम से जानते हैं, या डांसिंग शिवा जिनको बोलते हैं हम लोग, तो उनके नाम से हम जानते हैं इस एरा के स्कल्पचर को, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्कल्पचर बनाए गए हैं ये एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसका इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और इनके पीछे भी एक एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू छुपा है, ठीक है। तो ये जो आइडियल्स बनाए गए थे, ऑल्दो ये ब्रॉन्ज के आइडियल थे, लेकिन दे वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 metals, ठीक है। तो पंच धातु एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिक शास्त्र है जो इसके बारे में डील करता है, कॉल्ड शिल्प शास्त्र, ठीक है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये पंच धातु के मिश्रण से या 5 metal के अलॉय के मिक्सचर से हम लोग कुछ स्कल्पचर्स हमें बनाने हैं, ठीक है। सो ये वहां से अपने जो सोर्स है वो हमें मिलता है। तो अब ये हमारे पास एग्जैक्टली एक एक्ट भी है इसके लिए, एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, जिसके अंदर किसी भी एंटीक आइटम का एक्सपोर्ट विदाउट लाइसेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो इसके थ्रू एक आई थिंक एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, बट यूएस में एक बंदा था कपूर कपूर करके कोई, तो उसको अरेस्ट किया था, ठीक है। उसने बहुत सारी मूर्तियां कई सालों से बेच रहा था वो इंडिया से स्मगल कर करके, तो उसको पकड़ने के बाद ये सब चीजें जो है वापस आने लगी है, ठीक। तो आगे जाने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ब्रोंज कौन से मेटल का अलॉय होता है? और बेस कॉपर प्लस कॉपर करेक्ट, तो फटाफट आंसर बोलिए नहीं तो कोई और बोल जाएगा। सो कॉपर एंड टिन का होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए ये लोग फेमस थे। तो यहाँ पे देख लिए, ये नटराजा स्कल्पचर है जो अपने को पता होना चाहिए था। अब आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें फीचर क्या क्या है, ठीक है। तो आई होप सबने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ रखा होगा, तो मैं चीजें पूछ लेता हूँ फटाफट फटाफट। तो ये क्या है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस? फ्लेम हाँ ये फ्लेम्स है,
ये वाला जो पार्ट है ये जो ऐसे स्नेक से लग रहा है, ये हेयर लॉक्स है इनके। अब इसके अलावा जो चीजें हैं वो सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो इनके सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड में क्या है। तो अपर राइट हैंड में आप देखोगे डमरू है, डमरू के थ्रू रिदम बना रहे हैं, और रिदम के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ से क्रिएशन हो रहा है। वहीं आप इनके लेफ्ट हैंड, अपर लेफ्ट हैंड में देखोगे तो यहाँ पे फायर है। फायर का क्या मतलब है? डिस्ट्रॉयर। ठीक है, नेक्स्ट आप इनका जो अपर सॉरी लोअर राइट हैंड देखोगे वो अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा में मतलब कि वो फियरलेसनेस का एक तरीके से वो सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे या जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक तरीके से कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका जो लेफ्ट लोअर हैंड है दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज फीट। ठीक है, यानी लेफ्ट फीट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और लेफ्ट फीट जो है उसकी तरफ पॉइंट करने का मतलब ये है कि आपका जो सेल्वेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तरीके से सेल्वेशन मिलेगा। और उनका जो राइट लेग जो है वो एक डीमन के ऊपर है, डीमन का नाम है अपस्मारा। ठीक है, अपस्मारा या और भी बहुत सारे नाम रहते हैं, तो इस अपस्मारा का मतलब है इल्यूजन। तो इस इसको डीमन को अपने पैर के नीचे दबा के ये बता रहे कि मैं इल्यूजन खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, जो फॉल्स रियलिटी हम लोगों ने बना ली उसको ये खत्म करे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नटराजस कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से ये चीज अपने को पता होनी चाहिए थी। अब चोला पीरियड की बात करें तो अभी रिसेंटली आप देख भी रहे हो कि मूवी बनी है इनके ऊपर, पोनियन सेल्वन करके एक। ठीक है, काफी अच्छी मूवी है, देख लेना अगर देखना हो तो। आर्ट एंड कल्चर को काफी कुछ रिलेट कर पाओगे। सो इनके अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा, और जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तभी हम देखते हैं कि राइज होता है आर्किटेक्चर का, आर्ट का, म्यूजिक का, इन सब चीजों का। तो यहाँ पे हम थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे राजेंद्र चोलावन। ठीक है, इन्होंने एक सिटी बनाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, और इसी नाम से मंदिर भी था। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम मतलब गंगा के जैसे कोंडा का मतलब यहाँ पे होता है के मतलब जीत पा लिया किसी के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअली इन्होंने पालास के ऊपर विजय पाई थी। सो इसी विजय को इन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए टेम्पल बनाया था, और इसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, अब इनसे पहले भी एक और किंग थे। ठीक है, उनका नाम था राजा राजा चोला। उन्होंने एक और टेम्पल बनाया था कॉल्ड बृहदेश्वरा टेम्पल। करंटली बृहदेश्वरा टेम्पल इज द हाइएस्ट टेम्पल। ठीक है, ऊंचाई के टर्म्स में सबसे हाइएस्ट टेम्पल है अपने इंडिया के अंदर। और मतलब ये याद रख लेना, उसका जो गोपुरम है सॉरी जो विमान है वो सबसे हाईएस्ट है। अब अगर हम बात करें चोला पीरियड के अंदर, तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था वो द्रविड़ियन था, और वो इवॉल्व हुआ था पलवाज से। ठीक है, पलवाज ने धीरे धीरे पहले रिलीफ आर्किटेक्चर शुरू किया, फिर केव आर्किटेक्चर शुरू किया, और फिर स्टोन आर्किटेक्चर शुरू किया। ठीक है, तो उनमें वो पांडवा या 5 रथ टेम्पल हम पढ़ते पलवाज के अंदर। अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो द्रविड़ा का आता है चोलास के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं गोपुरम्स का बहुत लार्ज स्केल में डेवलपमेंट होता है। गोपुरम मतलब एक एंट्रेंस। ठीक है, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था पूरा वॉल्ड हो जाता है, और पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है विमाना का। ठीक है, तो याद रख लेना बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये तंजावुर में है, और गंगाईकोंडा चोलापुरम ये अपने आप में एक सिटी है। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद इनके जो सक्सेसर आते हैं वो एक इम्पोर्टेंट टेम्पल बनाते हैं कॉल एरावतेश्वरा टेम्पल एट दारो दारू समारम। ठीक है, ये राजेंद्र सेकेंड बनाते हैं। अब ये चोला जो टेम्पल्स है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बाई यूनेस्को नाम से। तो इतना ही था इसमें जानने लायक, किसी को कुछ और ऐड करना है चोला पीरियड में? ठीक है, आगे चलते हैं न्यूज इन शॉर्ट। तो मैम ये आपका था। हाँ बोलिए। So I'll be proceeding with news in shorts. So our first topic is Adi Channalur. तो Adi Channalur एक साइट है, ancient history साइट है जो कि तमिलनाडु में है. तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक गोल्ड डायडम को फाइंड किया. एक बरियल अर्न जो कि बहुत बड़ी थी उसको वो वहां पर कर रहे थे डिग. तो उनको एक गोल्ड डायडम मिला. डायडम मतलब एक रॉयल हेड बैंड जो सर में लगाते हैं, तो वो उन्हें वहां मिला. तमिलनाडु में है ये. अब ये अदिचनलूर जो साइट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसके पास 25 किलोमीटर दूर पर एक कोरकाई पोर्ट है जो कि एक एंशियंट सी पोर्ट हुआ करता था, और ये संगम लिटरेचर में भी यहाँ पर इसकी बात की गई है इस कोरकाई पोर्ट के बारे में। तो ये एक मेगालिथिक साइट है तमिलनाडु में, और इसको पहली बार इंडिया में जर्मन एक्सप्लोरर एंड्रयू जैगोर ने एक्सकवेट किया था 1876 में, और बाद में अलेक्जेंडर रे ने किया था इसे, जो कि एएसआई के सुपरिंटेंडेंट भी थे 1902 से 1903 में। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो अदिचनल्लूर साइट है ये न केवल मेगालिथिक कल्चर को शोकेस करता है बल्कि ये भी बताता है कि आयरन एज और संगम पीरियड के जो ट्रांजिशंस थे उनके भी इंफॉर्मेशन ये साइट देती है हमको। अर्लीस्ट आयरन एज साइट्स साउथ इंडिया के जो हैं वो हैं हलूर कर्नाटका में, और अदिचनल्लूर तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है, ये 1000 BC के आसपास हुआ करते थे। स्केलेटन मिले हैं यहाँ पर इस अदिचनल्लूर मेगालिथिक बरियल साइट पर, और ये जो स्केलेटन्स मिले हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ओरिजिन्स के हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये नॉन इंडियंस थे, तो हर तरह के लोग यहाँ पर ट्रेडर्स बनकर आते थे, ग्लोबल ट्रेडिंग पोर्ट था ये। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, और यहाँ पर कारकोई पोर्ट था, दो तीन बेसिक सी जानकारियां। उसके बाद दूसरा इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक है इनोवेटिव सेल, तो उनका काम ये है कि जो इंडिजिनस गेम्स हैं जो कि हम सबने कभी ना कभी खेले भी होंगे और खेलते भी होंगे, राजा मंत्री चोर सिपाही पोशम पा गिल्ली डंडा ऐसे बहुत सारे 75 इंडिजिनस गेम्स को इंट्रोड्यूस करना स्कूल्स में इस इनिशिएटिव के थ्रू। और ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है एट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट कर सकें। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कोई बताएगा क्या है? नोबडी? हाँ, मतलब इसका मतलब होता है कि अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन, लाइक बायोलॉजी फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं यस, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी, टू जैसे और बायो मोर फिजिक्स. एरियाज ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व हो ठीक है. जाते हैं, एक ही एरिया को नहीं हम कंसर्न करते हैं, तो दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। ऐसे रिसर्च को प्रमोट करना और प्रिजर्व करना, डिसेमिनेट करना, मतलब एडवर्टाइज करना है हमको इस इनिशिएटिव को, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को, ताकि हम फर्दर रिसर्च और सोसाइटल एप्लीकेशंस कर सकें। इसका एक एम ये है कि ये रिच हेरिटेज को स्प्रेड करे, ट्रेडिशनल नॉलेज को स्प्रेड करे इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स लिटरेचर एग्रीकल्चर बेसिक साइंसेज इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत सारे। अनंग ताल लेक जो है ये मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि ये दिल्ली में ही अभी हमको, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको डिक्लेयर किया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो 1958 में ये एक्ट पास किया गया था, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनंग ताल लेक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया है। आप में से कोई बताएगा कि और भी कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि AMASR के अंडर आते हैं, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं? एक्चुअली बहुत सारे, लाइक आई वुड से थाउजेंड्स में हैं, बट ऐसे मॉन्यूमेंट जो कि 100 ईयर्स से अबव होते हैं उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट उनका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो. करेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल्स मतलब हैं तो बहुत सारे, बट मेन मेन ताजमहल, अजंता केव्स, ये सब भी इसमें हैं, ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। अनंग ताल लेक जो है ये 1060 AD के टाइम पर प्रेजेंट हुआ करती थी, मतलब तब से है। और ये जोग माया टेम्पल जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स साउथ दिल्ली में, उसके नॉर्थ में है ये लेक। और इसको अनंग ताल लेक को अनंग पाल टू जो कि तोमर डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे
उनके नाम से अनंगताल लेक पड़ा, और ये उस टाइम पर हरियाणा और दिल्ली के पार्ट्स पर रूल किया करते थे 8th से 12th सेंचुरी के टाइम। अनंगपाल टू इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलेटिंग इंद्रप्रस्थ एंड मेड दिल्ली का पुरी, जो कि अब दिल्ली कहते हैं हम, कैपिटल बनाया था इन्होंने अपनी तोमर डायनेस्टी का। इन्होंने लाल कोट लेटर मर्ज्ड इनटू किला राय पे थोड़ा बाय पृथ्वीराज चौहान, तो इन्होंने लाल कोट भी बनाया था जो कि पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथोरा में मर्ज कर दिया। एंड ही ऑल्सो बिलीव टू ब्रिंग आयरन पिलर ऑफ मेहरौली फ्रॉम उदयगिरी इन सेंट्रल इंडिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसको उदयगिरी से ले आना था जो कि सेंट्रल इंडिया में है। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो अनंगपाल टू हैं ये ग्रैंड फादर थे पृथ्वीराज चौहान के, और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था गुरिद फोर्सेस ने बैटल ऑफ तराइन में। नेशनल मॉन्यूमेंट्स आर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स व्हिच हैव बीन डीम्ड और डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर अंडर सेक्शन 3, जो कि कवर करता है एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस 1951 एक्ट, सेक्शन 126 ऑफ स्टेट्स रिओर्गेनाइज। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स, वेरी बेसिक। हाँ, तो दिल्ली के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली वाज एस्टैब्लिश 7 टाइम्स, ठीक है, मतलब उस प्रोसेस में कई सिटीज को उजाड़ा गया, कई सिटीज को वापस बसाया गया। तो सबसे पहला सिटी जो आपको देखने को मिलता है ये दिल्ली का पुर या आनंदपाल जो थे वो फाउंडर है दिल्ली के, ठीक है, तोमर डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो ये दिल्ली का पुरी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, बाद में वो राय पिथौरागढ़ जो है पृथ्वीराज चौहान के कैपिटल के थ्रू जाने जाने लगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट सिटी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट सिटी जो थी ये हम कह सकते हैं कि मेहरौली बनता है, ठीक है, अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो जो है वो पहले लाहौर में रहता है, लेकिन बाद में टुवर्ड्स द लेटर पार्ट या इल्तुतमिश के टाइम के बाद वो दिल्ली में कैपिटल शुरू करते हैं अपनी, ठीक है। फिर बनता है सीरी, सीरी जो है ये खिलजी डायनेस्टी के अंदर बनता है। नेक्स्ट सिटी बनता है तुगलकाबाद, तो नाम से पता लग रहा है तुगलक डायनेस्टी के अंडर बनता है। फिर बनता है फिरोजाबाद, तो ये जो फिरोज तुगलक हैं, ठीक है, उनके रेन के अंदर बनता है। तो आपने कई बार सुना होगा जो इंडिया का जो क्रिकेट मैच होता है जो दिल्ली में होता है, तो एक स्टेडियम सुना होगा कई बार आपने, फिरोज शाह कोटला। तो फिरोज शाह कोटला नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो ये फिरोजाबाद वाला जो एरिया वहां पे ये पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं शेरगढ़। अब शेरगढ़ जो था ये बनाया था शेरशाह सूरी ने, जिसको करंटली पुराना किला नाम से दिल्ली में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिटी बनता है शाहजहानाबाद, ठीक है, आई थिंक इसमें एक बीच में शायद वो दीन पनाहों वाला मिस हो गया, वो हुमायूं बनाते हैं, ठीक है, तो शेरगढ़ से पहले वो एड ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सिटी बनती है शाहजहानाबाद, तो शाहजहानाबाद जो है ये बनती है अंडर क्या नाम था, शाहजहान, सॉरी, तो उसके अंदर बनती है। और लास्टली फिर दिल्ली जो बनता है ये एडवर्ड लुटियन और वो सॉरी हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन के अंदर ये जो न्यू दिल्ली वाला जो है एरिया ये बनता है। तो इस तरीके से ये 7 सिटीज जो है ये एक बेसिक इन्फो है जो पता होना चाहिए, ठीक है। मैम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। सो लास्ट टॉपिक इज यूनेस्को का फेलिक्स होफे ब्योजनी पीस प्राइज, काफी अजीब सा ये स्पेलिंग। तो इसके बारे में बस हमें ये जानना है कि ये तरह का यूनेस्को का पीस प्राइज है जो कि इस बार जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को मिला है। ये इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था प्रमोटिंग सीकिंग सेफ गार्डिंग और मेंटेनिंग पीस एंड कॉन्फॉर्मिटी विद द चार्टर। एक चीज मैं जो मिस आउट कर रही हूँ, ये शायद से रिफ्यूजीज जो हैं उनको हाँ, एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, उनको वेलकम किया था इन्होंने, तो इसलिए इनको एंजेला मर्कल को मिला। और ये क्या करता है, अवार्ड ऑनर करता है लिविंग इंडिविजुअल्स को, एक्टिव पब्लिक या प्राइवेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस को भी अवार्ड दिया जाता है। जो पहला फेलिक्स होपे विजने पीस प्राइज था वो दिया गया था नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक डब्ल्यू डी क्लर्क को 1991 में, और इस प्राइज को एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। सो आई विल कंक्लूड विद दिस इंफॉर्मेशन।
any more additions are welcomed. Cool. आई थिंक काफी अच्छा सम अप कर दिया आपने. किसी को कुछ एडिशन करना है अभी तक किसी पार्ट में जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने? ठीक है, तो आज का लास्ट पार्ट देख लेता है. ये स्कीम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना. तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इश्यूड ऑपरेशनल गाइडलाइन रिगार्डिंग सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है, एड्रेस करने हैं चैलेंजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रमोट करना है न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, गुड ईटिंग हैबिट फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग, और एड्रेस करना है न्यूट्रिशन रिलेटेड डिफिशियंसीज को. बेनिफिशरीज कौन होंगे? तो चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, Adolescent girl between age 14 to 18, ठीक है, in aspirational district. Mind you, ये वाला point जो है ये important है. Aspirational और North East state. पहले ये सभी के लिए था, लेकिन अब इसको limit किया गया है. अब key feature क्या है? Sorry. अब key feature क्या है इसका? तो ongoing centrally sponsored program है, ठीक है. Centrally sponsored का मतलब कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है सेंटर कुछ पार्ट में करता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है स्टेट को देना पड़ता है. वो आगे देखेंगे कितना कंट्रीब्यूशन रहता है. इट इज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम. ठीक है, इंटीग्रेटेड से आप समझ सकते हो मल्टी लेवल इसके अंदर इंटरवेंशन दिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो मेडिकल सर्विसेज के थ्रू हो या फिर फूड सप्लीमेंट के थ्रू हो. ठीक, सो अर्लियर द स्कीम वॉज नोन एज आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम. थ्री ऑफ द सिक्स सर्विसेज आर रन बाय या रन थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पिलर्स देख लो आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम के क्या है. तो यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन देखने को मिलती है. ठीक है, जैसे प्ले स्कूल टाइप होते हैं ना, वैसी सर्विसेज ये देते हैं. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और रेफरल सर्विसेज कि किसी को बड़े हॉस्पिटल रिकमेंड करना है जहाँ पे बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट, अब कंपोनेंट देख लेते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर पोषण एंड एडोलेसेंट गर्ल. ठीक है, तो एडोलेसेंट गर्ल जो 14 से 18 ईयर्स ऑफ एज है, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें टेक केयर करना है. ठीक है, उनका न्यूट्रिशन जो डिमांड है, जो हेल्थ डिमांड है, उसको एड्रेस करना है. नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर है. सो 3 से 6 साल के बच्चे और 0 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्डहुड केयर जो है और एजुकेशन का इंतजाम किया जाएगा. नेक्स्ट, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पहले आंगनवाड़ी बोलते थे केवल, अब सक्षम आंगनवाड़ी बोल रहे हैं. सक्षम आंगनवाड़ी मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बिल्डिंग एरिया के अंदर ये आंगनवाड़ी काम कर रहे होंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज पोषण अभियान. तो अभियान का मतलब है कि इसे एक मूवमेंट बनाना है, पीपल्स मूवमेंट बनाना है, जन आंदोलन बनाना है, जिसके अंदर पंचायती राज, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलेंटियर्स, ये सब काम करेंगे टुवर्ड्स क्रिएटिंग मूवमेंट फॉर बेटर न्यूट्रिशन. ठीक है, नेक्स्ट, इट विल रेस्ट ऑन द पिलर्स ऑफ कन्वर्जेंस, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे और भी सब कंपोनेंट है, जैसे पोषण वाटिका का एक कॉन्सेप्ट है. पोषण वाटिका मतलब, अब गांव में जमीन आपको पता है काफी खुली खुली होती है, और जो जमीन अलॉट होती है उसका भी साइज काफी बड़ा होता है. ठीक है, अनलाइक सिटीज जहाँ पे बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया मिल रहा है, तो इनके पास बहुत सारा ऐसा एक्सेस एरिया पड़ा रहता है जिसका कोई यूज नहीं होता, तो वहां पे ये लोग वाटिका बना सकते हैं. वाटिका मतलब छोटे छोटे हॉर्टिकल्चर गार्डन बना सकते हैं, जहाँ पे जो भी डाइट्री सप्लीमेंट्स इनको चाहिए, जैसे कोई पालक, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पालक इनको उगा सकते हैं वहां पे. तो पालक जैसा कि आपको पता है न्यूट्रिशन में काफी रिच होता है, तो जल्दी उग जाएगा, और जो इनकी डाइट्री डिमांड्स है उनको भी हेल्प करेगा. ठीक है, फुलफिल करने में, यानी अब इनको अलग से मार्केट से जाके सब्जी लाने की उतनी प्रॉम्प्टली जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अपने बैकयार्ड में जो उगाएंगे उसको ये यूज करके कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट, लेवरेजिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आयुष प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो आयुष प्रैक्टिसेस जैसे बेस्ड मेडिसिन है, जैसे आपने एक
प्लांट का नाम सुना होगा, कॉल्ड गिलोय। ठीक है, गिलोय जो है बहुत ही एक कारगर आयुर्वेदिक दवाई है, उसमें कोई खास इनपुट नहीं लगता, उसकी एक बेल को लाके आपको लगाना है और उस बेल को आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। दिस विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आयुष बेस्ड कुछ मेडिसिनल हर्ब्स भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, या प्लांट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मिलेट शुड बी सप्लाइड एटलीस्ट वंस अ वीक। मिलेट्स मतलब कोरस ग्रेन्स। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो मिलेट्स के? बाजरा, रागी, बाद करेक्ट, रागी, रागी, बाजरा, चिया सीड्स, ये सब मिलेट्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिशियरी। अब इसमें कोई जो बेनिफिशियरी जो हमने बात कर दिया कि वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट गर्ल होगी 14 से 18 ईयर्स ऑफ एज, और चिल्ड्रन फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, ये लोग बेनिफिशियरी हैं। लेकिन ये बेनिफिशियरी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को, मतलब हर किसी को ये मिलने लगेगा। उनको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा अपने आप को जाके नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर में विद आधार आइडेंटिफिकेशन। बच्चों के लिए, ये जो बच्चे होते हैं, बिकॉज उनके लिए तो आधार बनाना उतना ईजी नहीं होता, तो उनको इनके अंदर मैंडेटरी नहीं है, बाकी सबके लिए मैंडेटरी आधार लाना, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा इसके थ्रू। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है या कलेक्टर जिनको हम बोलते हैं, ही इज बेसिकली द नोडल पॉइंट इन दिस स्कीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया कॉल्ड पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे की पैरामीटर्स लाइक स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, प्रेवलेंस। ठीक है, और इससे इसके थ्रू हम रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का। ठीक है, और उनसे रिलेटेड बेनिफिशियरी जो डेटा है उनका। अब यहाँ पे फंडिंग पैटर्न पे आती है बात, तो अगर याद रहे तो ठीक है, बाकी इतना डिटेल में आई थिंक पूछता तो नहीं है, बस देख लेना अगर आपको याद रहे तो। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। स्टेट और यूटी का अगर हम बात करें तो वहां पे जनरल जो फंडिंग है वो 60-40 के रेशियो में रहती है, फिर आंगनबाड़ी वर्कर को जो सैलरी जाती है वो 25-75 के रेशियो में रहती है, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो 50-50 के रेशियो में रहती है। तो यार इतना सारा डेटा जो है, आई थिंक इट्स नॉट वेरी फीजिबल टू रिमेम्बर, सो जनरली देख लेना, जनरल वाला डेटा देख लेना, अगर ये याद रहे तो बस एक बोनस मार्कर होगा। ठीक है, तो डिस्कस भी नहीं करूंगा मैं, देखना हो तो देख लेना। नेक्स्ट सोशल ऑडिट वाला पार्ट है। ठीक है, कि एक्चुअली में कोई ग्राउंड वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास, या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए भी मैकेनिज्म इसमें लगाया गया, और वो है सोशल ऑडिट। ठीक है, प्लस एक थर्ड पार्टी इसमें ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट रहेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है चूज करेगा कि किससे करवाना है। तो ऐसा कोई रेप्यूटेड एनजीओ वगैरह है, उसके थ्रू ये लोग इवेल्युएशन कराएंगे उस स्कीम का। सो दिस वॉज विद रिगार्ड्स टू पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो विद दैट हमारा जो अगस्त सेक्शन था करंट अफेयर्स का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मुबारक हो आप सबको।